चैनल। और आज हमारे पास है ये चाबी, अपने पास मिल गई है, अपने मामा की कार है। कंपेयर करेंगे हम जेटा मॉडल से, कंपेयर करेंगे कि जेटा में और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या फीचर ज़्यादा दिए गए हैं और इसमें क्या क्या कम है उससे। देखते हैं गाइस, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके चाबी से, की से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए, जैसा कि डेल्टा मॉडल है तो इसमें ये लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। और इसके अपर मॉडल जो है, जो जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जो है डेल्टा अपने पास भी, उसका मैं भी रिव्यू कर चुका हूँ, उसमें कीलेस एंट्री रहती है। उसमें लॉक अनलॉक का एकदम प्रीमियम सी की रहती है, उसमें की नहीं दिखता है, उसके अंदर रहती है। इसकी चाबी ऐसी कुछ दिखती है, सिंपल सी, ये भी काम चलाओ ठीक है। फ्रंट से बात करते हैं तो फ्रंट तो सबका सेम है, डायमेंशन जो भी है, चौड़ाई लंबाई सब एक टू जेड है। लेकिन उसमें इसमें कार में ये मिलता है अपने को हैलोजन लैंप। लेकिन अब की जो आ रही है तो उसमें है, ये तो देखिए गाइस, मैं 2018 मॉडल है तो उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो डेल्टा में ये मिलता है इसमें, और उसमें क्या बोलते हैं, जेटा में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, वो भी LED मिलेगी। और इसमें ये देखिए लैम्प मिल रहा है, और उसमें डेल्टा में वो जेटा में अपने को यहाँ पे एक LED मिलेगी, वो LED DRLs मिलेंगी। बढ़िया, वही यही है अपना कंपेयर, एक हो चुका है। लाइट में लाइट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 185/65R15 यानी 15 इंच का अलॉय ये रिम मिलता है, ट्यूबलेस टायर। और इसका आप देख लीजिए साइज, के साइज तो 15 इंच का है ठीक। और इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलता, इसमें कैब मिलती है। और अपने ये जेटा मॉडल में अपने को डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और इसमें एक साइज अप रहेगा, उसमें 195 चौड़ाई रहेगी उसकी, और इसमें 15 का है, उसमें 16 इंच का अलॉय व्हील अपने को मिलेगी, यही डिफरेंस है। मिरर अपने को फोल्डेबल नहीं मिलेंगे, जैसे कि अपने को जेटा में क्या रहेगा कि अपन लॉक करेंगे तो ये अपने से ये मुड़ जाते हैं, और इसमें कुछ मुड़ता उड़ता नहीं है। बस इसमें ये है कि चलो इसमें ये फीचर दे दिया गया है डेल्टा में कि ये लाइट इसमें फेंडर में नहीं दिया गया है। यहाँ दोनों पे सेम है, बस एक डिफरेंस वही है कि जेटा में अपनों को ये देखिए फोल्डेबल मिल जाएगा ऐसा, बस ये डिफरेंस था डेल्टा और जेटा में। डोर खोलने की ओर से बढ़ेंगे तो अपने को डोर इसमें कोई कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी, और जेटा में अपने को कीलेस एंट्री मिलेगी। ये यही फीचर है अपने को, ये देखिए इसमें ऐसा खोलना पड़ेगा लॉक अनलॉक करके, बस। फायदा अपने को जेटा में ये मिल जाता है कि इसमें रिक्लाइन तो होता है, उसमें भी होता है, लेकिन इसमें सीट एडजस्टेबल हाइट नहीं, यानी इसमें अपनी अकॉर्डिंग से ऊपर नीचे नहीं कर सकते सीट। इसमें वो फीचर एक नया फीचर है, बस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंट्रोल्स, मिरर की कंट्रोल सब सेम है डेल्टा और जेटा में दोनों का, इसमें भी सब सेम, पूरे दोनों में यूनिक फीचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑटो मिलेगा और इसमें चार पावर विंडो, चलो यानी दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कंट्रोल की बात करें तो दोनों में कंट्रोल्स भी सेम है, इधर कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। वॉल्यूम, अप डाउन, म्यूट और ये मोड दोनों में सेम है यानी पूरा, और यहाँ भी दोनों सेम है यानी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। मीटर भी सेम है, बस गाइस मेन थिंग डेल्टा और जेटा में आपको दिखाते हैं, डेल्टा में आपको मीटर ऐसा मिलेगा यानी मीटर सेम, ये पूरा कंसोल बढ़िया मिलेगा। लेकिन इसमें ये जैसा कि ये कम फीचर दिखाता है, यानी इसमें ये डिजिटल टाइप का है, उसमें एकदम बहुत धांसू टाइप का दिखाता है, यानी उसमें एक वो एनिमेशन टाइप का कार भी बनी रहती है, उसमें टॉर्क पावर सब दिखाता है, ये ज़्यादा फीचर उसमें ऐड करे सिर्फ यहाँ पास, बस यहाँ तो सब दोनों में सेम है डेल्टा और जेटा में। गियर नॉब भी सेम मिलेगा गाइस अपने को, 5 गियर सेम, यही पूरा यहाँ भी पूरा सेम, ये 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे AC क्लाइमेट कंट्रोल। बाकी जो चेंज होगा तो अपन को यहाँ पे चेंज, जैसे इसमें ब्लूटूथ, ये स्टूडियो, इसमें स्क्रीन टच नहीं है, उसमें एंड्रॉयड और एप्पल प्ले, वो एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले मिलेगा अपने को। यहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन जेटा में, ये अपने को एक अच्छा फीचर है। मिरर की बात करें तो इसमें ये डे नाइट वाला जो है, तो ये अपने से मैनुअल अपने को करना पड़ेगा, और अपने को जेटा में ये ऑटो मिलेगा, बस यही है फ़र्क। पैसा जितना आप खर्च करेंगे उतना मज़ा आएगा, जैसा कि
और यहाँ पे भी वो सेम दोनों यही है। और यहाँ पे एक अपने को हैंड रेस्ट मिल जाएगा, स्लाइडेबल नहीं रहेगा लेकिन हैंड रेस्ट मिल जाएगा, जो कि थोड़ा बहुत कार चलाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे तो थोड़ा अपने को आराम मिल जाएगा। बाकी पूरा सेम है, पूरा पीछे सीट वोट भी पूरा वही है। अभी आगे कोई सेंसर नहीं दिया गया है, एक भी सेंसर ना अपने जेटा में भी कोई सेंसर नहीं दिए गए हैं अभी तक, तो कोई फीचर नहीं आया है जेटा में भी और इसमें डेल्टा में भी। ये तो 2018 मॉडल से कंपेयर कर रहा हूँ, तो नहीं थोड़ा बहुत तो चेंज है अभी भी। 2018 मॉडल यानी ये है, लेकिन अभी भी जेटा लेंगे सेम यही फीचर मिलेंगे, बस अपने को ये है कि इसमें अपने को एक प्रोजेक्टर मिल जाएगी, इसमें भी अपने को शायद। टैंक की बात करें, ये देखिए फ्यूल टैंक है, इसमें 37 लीटर की कैपेसिटी है, जो कि मीटर में कभी 17 तो हमेशा दिखाते हैं, 17-18 आपको दिखाते हैं, फिर मीटर चलते हैं। जो कर रहे थे थोड़ा सब चीज़ दिखा देते हैं, तो आपको यहाँ पे इसमें मीटर में भूल गया था, इसमें अपने को ये देखिए गेट खुला है, पावर ब्रेक यानी हैंड ब्रेक, ये तो ये है, इसमें इंजन ये सब दिखाता है, टेम्परेचर दिखा रहा है अभी तो 0 है, फ्यूल गेज काफ़ी अच्छा है इसमें, यानी प्रीमियम से थोड़ा अच्छा लगता है। और इसमें अपने को ट्रिप 88 टाइम भी दिखाता है, वो छोटे से मीटर में ट्रिप भी 19,039 किलोमीटर चल चुकी है, और एवरेज है आपको दिखाते हैं एवरेज कहाँ से दिखाता है। ये अभी रेंज भी दिखाएगा इसमें कि अपने गाड़ी इतने फ्यूल में 401 किलोमीटर चलेगी, एवरेज नहीं दिखा रहे, एवरेज 18 का भी दिखा रहा है, यानी एवरेज ओवरऑल इसका मिक्स एवरेज है 17-18 दे देती है। 6.1 या मैंने नापा नहीं, लेकिन 6.1 या 6 फीट के अराउंड है, यानी ऊपर ही है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ सीट को, कंफर्टेबली मैं ड्राइव करूँगा। और अपने को अब पीछे चलेंगे, पीछे वाली सीट की स्पेस दिखाते हैं, अगर बंदा 6 फुट का है और पीछे वाला बंदा 6 फुट का बैठेगा तो क्या फील होगा, अगर आगे वाला भी बंदा 6 फुट का है और यहाँ भी बंदा हो गया ठीक कंफर्टेबल, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा हम उसको मार झगड़ के अपन थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं 6 फुट हूँ तो कोई बंदा मेरे साथ 6 फुट के पीछे ही बैठेगा। ओवरऑल आप इधर आए, गाड़ी में बहुत स्पेस है, मैं अपने बड़े पापा की कार ले गया था उसमें, यानी 7 लोग टूर में गए थे अपन, काफ़ी अच्छा लगा था, स्पेसियस बहुत अच्छी गाड़ी है स्पेस के मामले में, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस यही प्रोवाइड करती है अपने को, बलेनो, बलेनो की कोई भी मॉडल हो। पीछे से टेल सेक्शन से बात करते हैं तो इसमें अपने को बलेनो लिखा मिलेगा, ये लाइट एक इंडिकेटर यहाँ पे, ये अब ये एलईडी है, लग नहीं रहा है लेकिन एलईडी हो सकती है। और यहाँ पे हाइलोजन, इसमें 4 सेंसर दिए गए हैं जो कि काफ़ी महंगे सेंसर नहीं है, टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3, 4 सेंसर दिए गए हैं। और नीचे ये रिफ्लेक्टर, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, आगे का भी ग्राउंड क्लियरेंस फिर आपको दिखाएंगे। टायर की चौड़ाई 185 है और इससे ज़्यादा चौड़ाई अपने को प्रोवाइड करती है 195 सेक्शन। स्पॉयलर भी दिया गया इसमें, यहाँ भी लाइट जलती है, देखिए सेकेंड टॉप है यानी सेकेंड बेस है, तो इसमें अपने को ये भी मिलता है, अपने को डिफोवर भी मिल जाएगा, अब क्या चाहिए, तो मस्त प्राइस में नेक्सा की बैचिंग भी मिलती है। आपको बूट स्पेस दिखा देते हैं, अब इसके बूट पे हम बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक बटन रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, यहाँ पे अपने को पार्सल ट्रे भी मिलेगी और इसमें अपन एक बंदा बढ़िया आराम से यहाँ भी बैठ सकते हैं, बाकी मैं ट्राई करूँगा लेकिन बिहाइंड द सीन करूँगा। 339 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेसियस है। और हो गया, कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, इस पर स्पेयर टायर की बात करते हैं आपको, इसमें अभी अब तक 5 साल की 2018 मॉडल गाड़ी है फिर भी इसमें, और इसमें वो वही सेम 185/60R15 का टायर साइज दिए गए हैं, ब्लैक रिम दी गई है अपने को, यहाँ पे टूल किट जैक जो कि आज तक कभी ठीक ही नहीं यूज हुआ है, आज तक हमारी कार पंचर भी नहीं हुई है इतने साल में। और यहाँ पे हैंगिंग बैग दिया गया है जो कि काफ़ी मजबूत नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा बंद करेंगे इसको, अरे बंद हो जा भाई,
सॉरी सॉरी हाइड्रोलिक भी था इसमें, दिखाने भूल गया। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ये गांव में जैसा कि हम लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम जाती, बहुत प्यार से इसको चलाना पड़ता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm, जो कि हो गया ठीक है, अच्छा भी है। अब कार ये हैचबैक कार्स हैं तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हो गया बढ़िया, ग्राउंड क्लियरेंस अपने को मिल जाता है। लेकिन डर के बहुत चलाना पड़ता है अपने को गांव में, गड्ढे हैं कहीं भी कुछ भी है। ये देखिए सही है अपनी गाड़ी। अब अपन इंजन की बात करेंगे कि इसकी क्या पावर है, कितना टॉर्क है, ये सब चीज़ वैसे तो आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते, लेकिन मैं जब दिखा रहा हूँ तो मुझे भी बनता है हक। यहाँ पे इसका ऐसा खुलेगा, इससे एक इंसुलेशन दी गई है जिससे गाड़ी आवाज़ में। बाकी इसका पेट्रोल इंजन जो 1200 cc का, सॉरी 1197 cc का है, वो भी काफ़ी अच्छा है, इंजन नॉइस एक भी नहीं आती है। दिखाते हैं, देखिए इसका इंजन और ये 1197 यानी 1200 cc मान लीजिए, फोर सिलेंडर है और इसमें 83 bhp पावर मिलती है 6000 rpm पे, 115 Nm का टॉर्क है और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, 5 गियर की गाड़ी है। अब ये देखिए इसमें कितना स्पेस दिया गया है, एक हाथ का स्पेस दिया गया है, काफ़ी स्पेसियस गाड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें इंजन में भी स्पेस दिया गया है, ये देखिए कितना। यहाँ पे बैटरी देखते हैं अपने को कौन सी मिली है, बैटरी तो दिखी नहीं रही है, हो गया एक्साइड या एमरॉन की होगी। और इसमें यहाँ पे कूलेंट ये डालने को, और इसके इंजन नॉइस हम सुनाते हैं आपको। तो गाइज इसका इंजन कुछ इस तरह का आवाज़ करता है, जो कि काफ़ी साइलेंट है। ये तो अभी खुला है, अब देखते हैं इसको, आप पकड़िए, अब देखते हैं इसको बंद करके इंसुलेशन कितना कम आवाज़ करता है। चलिए गाइज यही था ब्लॉग, बस अगर आपको गाइज ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर करिए। बताइएगा कमेंट में क्या क्या मुझे बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था, जितना मुझसे हो सका। बाय टाटा। सब इसकी थोड़ा पावर ओवर की बात करते हैं तो देखते हैं इसको चला के क्या कैसा फील होता है। 83 हॉर्स पावर है, अब की जो नई मॉडल वाली आई है जो अभी 2022 में लॉन्च हुई वो 89 bhp कर दिया गया, लेकिन उसको मैंने अभी तक ड्राइव नहीं किया है। ये बिना क्लच के स्टार्ट भी नहीं होती, अब देखते हैं पहला गियर यानी बिना एक्सीलेटर के भी ये देखिए उठ जाती है। ये देखिए कितना स्पीड है, अरे भाई बहुत ज्यादा तेज जा रही है, तो 10 का स्पीड पकड़ लेती है। और पीछे यानी मैं इसमें इतना पावर है कि बिना एक्सीलेटर के भी अपन रेस लिए भी अपन वो कर सकते हैं। यहाँ पे गैया लोग डरते हुए, अब इधर आपको दिखाएंगे कि अपनी चढ़ाई चढ़ सकती है क्या एक नंबर में। ये देखिए आप पूरा मीटर में फोकस करिएगा, ये है कि अपने कोई नौसिखिया आदमी है तो इसको चला सकता है, बिकॉज इसमें अपने को एक्सीलेटर की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं चढ़ जाएगी कि नहीं, टेस्ट करते हैं टॉर्क को इसका। भाई गजब यार, चढ़ गई गाड़ी अपनी, चढ़ाई चढ़ गई बिना एक्सीलेटर लिए, काफी मजा आया।